आज रे निशाल मा में तो कक्को ने करो खूनियो रे जो एवी रुम झुमती कवितायू सहरी इमारा घन दरमा। गुजरात के शिक्षण के क्षेत्र में क्रांति का पर्याय, विद्यार्थियों की प्रगति का नया अध्याय, नवीनतम दृष्टिकोण और अभिनव प्रयास, विद्यार्थियों के लिए विश्व स्तरीय अभ्यास, श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, देश का सबसे बड़ा स्कूली शिक्षा मिशन। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी हमेशा से ही शिक्षण के क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित रहे हैं। अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए मुख्यमंत्री की भूमिका में उन्होंने गुजरात के शिक्षण विकास को मिशन मोड पे आगे ले जाने की ठान ली और शाला प्रवेशोत्सव, कन्या केलवणी महोत्सव और गुणोत्सव जैसी अनेक अभिनव योजनाओं को अमल में लाकर एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षण की ओर बढ़ने के लिए शिक्षकों की पारदर्शक भर्ती और जरूरी मालखाकीय सुविधाएं सुनिश्चित कराते हुए उन्होंने गुजरात को शिक्षण क्षेत्र में अविरत प्रगति की नई दिशा दी। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए गुजरात सरकार ने छात्रों को श्रेष्ठतम शिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए भगीरथ प्रयास किए और पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए डेटा आधारित पहल की एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें शामिल है शाला प्रवेशोत्सव 2.0, गुणोत्सव 2.0, शिक्षक एवं विद्यार्थी के ऑनलाइन अटेंडेंस, कक्षा 3 से 12 केंद्रीकृत सत्रांत परीक्षा और इन परीक्षा के हर विद्यार्थी के हर प्रश्न की डेटा एंट्री की जाती है, जिसकी मदद से हर साल 500 करोड़ से अधिक डेटा पॉइंट्स विद्या समीक्षा केंद्र पर एकत्रित किए जाते हैं। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिसिस जैसी आधुनिक तकनीक की सहायता से एकत्रित किए गए डेटा द्वारा प्रत्येक जिले, ब्लॉक, शाला और विद्यार्थियों की मॉनिटरिंग की जाती है और विद्यार्थियों को लर्निंग आउटकम बेस्ड रिपोर्ट कार्ड भी इसी के आधार पर प्रदान होते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग से आगे बढ़कर गुजरात अब प्रिडिक्टिव एनालिसिस की तरफ जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों के सीजनल माइग्रेशन का प्रिडिक्शन करके लर्निंग लॉस को कम किया जाएगा, साथ ही साथ विद्यार्थी का संभवित ड्रॉप आउट प्रिडिक्शन करके उसे भी निवारा जाएगा। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से 100% नामांकन, नियमित हाजिरी और विद्यार्थियों के ग्रेड अप्रोप्रिएट लर्निंग आउटकम्स सुनिश्चित करने की दिशा में असरकारक काम किया जा रहा है और इन सभी प्रयासों के कारण पिछले 4 साल में 11.5 लाख से अधिक छात्र निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये आधुनिक केंद्र पूरे देश में बड़े परिवर्तन ला सकता है। ये विद्या समीक्षा केंद्र पूरे देश को दिशा दिखाने वाला सेंटर बन गया है। इन सभी कदमों से मिली सफलता के उपरांत वर्तमान और भविष्य की स्थिति का आकलन करके शिक्षा की गुणवत्ता में और भी सुधार करने का गुजरात सरकार ने निश्चय किया। गुजरात की तमाम 40,000 सरकारी स्कूलों को सक्षम बनाने और उनमें पढ़ने वाले 70 लाख विद्यार्थियों और करीब 2,50,000 शिक्षकों को भौतिक सुविधाओं का लाभ प्रदान करने और शिक्षा की गुणवत्ता में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने के लिए शुरू किया जा रहा है मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। अब बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को साथ लेकर 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही जरूरी है। इसके तहत देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन को साकार करते हुए गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय बनाकर शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मिशन में 120 से अधिक छात्रों वाले राज्य के तमाम सरकारी स्कूल्स यानी कुल 15,000 सरकारी प्राथमिक स्कूलों को और 5,000 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक सरकारी स्कूलों को स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया जाएगा, जिसके तहत बनाए जाएंगे 50,000 नए क्लासरूम्स,
1.5 लाख स्मार्ट क्लासरूम्स, 20,000 कंप्यूटर लैब्स, 5,000 स्टेम लैब्स, सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन सुविधाएं और पर्यावरण प्रयोगशाला से युक्त ग्रीन स्कूल्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संसाधन कक्ष, खेल के उपकरण, सीसीटीवी कैमरा, हर कक्षा के लिए वर्गखंड और हर वर्गखंड के लिए शिक्षक की उपलब्धि, साथ ही करियर मार्गदर्शन और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए तालीम भी दी जाएगी। इन स्कूल्स में 21वीं सदी के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक द्विभाषी एक्सीलेंस पाठ्यक्रम द्वारा कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिक से अधिक छात्र स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का लाभ उठा सके, इस हेतु से स्कूल ट्रांसपोर्टेशन सेल की भी स्थापना की जाएगी। निःशुल्क परिवहन के माध्यम से छोटे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को नजदीकी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के तहत विद्या समीक्षा केंद्र के एक विशेष नियंत्रण कक्ष से पसंद की गई स्कूलों की गहन और निरंतर टारगेटेड मॉनिटरिंग की जाएगी और राज्य भर के प्रत्येक छात्र के लर्निंग आउटकम का विश्लेषण होगा। गुजरात स्कूल क्वालिटी एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी GSQAC की टीम द्वारा इन स्कूलों का मूल्यांकन होगा और एक वर्ष में 3,000 स्कूल्स और 4 वर्ष के अंत तक कुल 20,000 स्कूलों को स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर प्रमाणित किया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस देश का सबसे बड़ा स्कूली शिक्षा मिशन है, जिसे वर्ल्ड बैंक एवं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का सहयोग प्राप्त हुआ है। ये आजादी का अमृत काल है, हम आजादी के 75वें साल में है, जब भारत 100 साल की आजादी का समारोह बनाएगा तब का भारत कैसा होगा, इसके लिए हमें अभी से काम करना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के सपने को साकार करने की नींव में है एक मजबूत और ठोस शिक्षा प्रणाली, और इसे सार्थक करने के लिए मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा कटिबद्ध है गुजरात सरकार। हमारे लिए ये अत्यंत हर्ष और गौरव की बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल की उपस्थिति में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया जा रहा है। छात्रों की सर्वांगीण प्रगति का संकल्प, शिक्षण की होगी जैसे कायाकल्प, स्कूलों और शिक्षकों का होगा विकास, एक उज्जवल भविष्य का मिलेगा विश्वास, श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, देश का सबसे बड़ा स्कूली शिक्षा मिशन।